इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारे लोगों का क्वेरी आते हुए दिखा है और जिस प्रकार से ये स्टॉक कंटिन्यूअस 200 के प्राइस से गिरते हुए अभी 125 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और 2 CR के आसपास का वॉल्यूम है। हमेशा से आप लोगों का गलती क्या होता है, जब ये स्टॉक 170-172 पे था तो बहुत सारे बायर ने श्योरली खरीदा होगा, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है, जो भी आपकी पोर्टफोलियो के अंदर लॉस दे रहा है या जो वीक शेयर है उसको कभी भी एवरेज या एक्युमुलेट करने की गलती नहीं करें। हमेशा से मैं आपको यही समझाते आ रहा हूं। मदरसन सुमी का डिमर्जर के न्यूज के बाद से जो सेंटिमेंटल सेलिंग आया है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय 125 के आसपास के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और ये स्टॉक आपको 100 के आसपास तक के लेवल्स को भी टच कर सकता है, मुझे हैरानी नहीं होगी। तो सपोज कि आपका अगर ऊपर का बाइंग है 180-200 का और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, अभी भी होल्ड है, तो इस समय एवरेज या फिर फ्रेश बाइंग करने से श्योरली बचना चाहिए। 100 के आसपास के प्राइस पे फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, तब तक वेट एंड वॉच की स्थिति इस स्टॉक में बनाए रखनी।